रेनॉल्ट डस्टर कार है और इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, उसका क्लच का पेडल सही से वापस नहीं आ रहा है और पूरी तरीके से पुश करने के बाद भी गियर हार्ड चेंज हो रहा है। तो इसका क्लच का एयर ब्लीड करने वाले हम, क्लच का एयर निकालने वाले, तो किस तरीके से एयर निकालते हैं आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ। और हाय फ्रेंड्स, मयूर पटेल, मयूर मोटर्स बायर, गुजरात इंडिया। ये रेनॉल्ट डस्टर है फ्रेंड्स और इस गाड़ी के अंदर क्लच का जो पेडल है वो लूज हो चुका है, तो उसका एयर ब्रीडिंग कर रहे हैं हम। तो एयर ब्रीडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आज का वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रेक ऑयल टॉपअप कर देना है और टॉपअप करने के बाद यहाँ पे जो इसका एयर ब्रीडिंग का नॉब रहता है वहाँ पे हमने एक पाइप लगा दिया है फ्रेंड्स, और दो लॉक रहते हैं उसके, वो दो लॉक में से आगे वाला लॉक है जो बैटरी साइड वाला वो लगा ही रखना है और इंजन वाला है वो लॉक को हमें निकाल देना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो वहाँ से एयर ब्रीडिंग हो रहा है हमारा, शायद आपको कैमरे में दिखाई दे, हमने पाइप लगाया हुआ है फ्रेंड्स वहाँ पे, हल्का हल्का यहाँ पे जो एयर के बबल्स है वो निकल रहे हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हो। तो जब तक ये एयर के बबल्स निकल रहे हैं तब तक फ्रेंड्स हमें यहाँ पे काम चालू रखना है और ब्रेक ऑयल टॉपअप करते रहना है। और जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक के जो बबल्स हैं ऑयल के वो बंद हो जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे ये दोनों लोग को दबा के और पाइप को प्रेस कर देंगे तो हमारा पेडल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एयर ब्रीडिंग हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक ये पेडल हमारा हमें ऊपर की ओर ही रखना है, प्रेस नहीं रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो डस्टर का निशान टरोना का एयर निकाल सकते हो। सबसे पहले ऑयल यहाँ पे टॉप अप करना है और उसके बाद यहाँ पे ये लॉक हटा के पाइप लगा देना है और छोड़ देना। आप देख सकते हो कितना फास्ट यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं। तो पूरा एयर ब्लीडिंग हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। जैसे ही फ्रेंड्स पाइप के अंदर एयर ब्लीडिंग बंद हो जाता है और ऑयल आने लगता है तब आपको इस तरीके से पोजीशन में दोनों लोग को प्रेस करके पाइप को प्रेस कर देना है और आपका क्लच का पेडल वो दो पेडल दबाने के बाद हार्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा हो गया है, हम वीडियो नहीं बना पाए साथ में दोनों काम का, लेकिन इस तरीके पोजीशन में लॉक करना रहता है लॉक को और पाइप को। तो ये हो चुका है हमारा, गाड़ी का पेडल दिखाता हूँ मैं आपको। पहले जो गिर जा रहा था पेडल अपने आप वापस आ जा रहा है। अगर आपका एयर ब्रीडिंग नहीं होगा तो आपका हाफ पेडल काम करेगा और गाड़ी का स्टार्ट करने के बाद गियर में नॉइस आएगा, गियर गिरेगा ही नहीं और पेडल वापस भी नहीं आता है। तो ये परफेक्ट है, मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, प्रेस किया हुआ है क्लच मैंने और एक हाथ से मैं गियर दबा रहा हूँ तो आराम से गिर रहा है। अगर आप क्लच का काम करते हो या कुछ काम करने के बाद आपको एयर ब्लीडिंग करना जरूरी है तो आपका एयर ब्लीड नहीं होता, इस तरीके से एयर ब्लीड करते हैं और ना आपका गियर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद क्लच का पेडल पूरा प्रेस नहीं होगा और प्रेस होने के बाद भी आपका गाड़ी का गियर आराम से स्मूथ से गियर स्विफ्ट नहीं होगा और स्विफ्ट होता है तो नॉइज भी आता है कभी कभी। अभी ये गाड़ी परफेक्ट है, पेडल भी परफेक्ट है और गियर भी आसान से चेंज हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए रेनॉल्ट डस्टर टरानो। दूसरी कार डस्टर है फ्रेंड्स और इस गाड़ी के अंदर भी एयर निकालने में बहुत दिक्कत रही थी हमको, तो दूसरा एक सिस्टम है, हम इस तरीके से भी एयर निकालते हैं। जब एयर ब्लीड करते हैं तो एयर आ ही जाता है, तो ज़्यादातर ब्रेक ऑयल की डिब्बी में भी प्रॉब्लम रहता है। रेनॉल्ट डस्टर है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक ऑयल यानी कि क्लच का साथ में आता है तो ये पूरा भरा हुआ है यहाँ पर डिब्बी, लेकिन यहाँ से निकलता नहीं है तो इसकी वजह से एयर ब्लीडिंग करने में बहुत दिक्कत रहती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ये पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, खोल इसको ढक्कन, पूरा एकदम यहाँ पे किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल आया फ्रेंड्स,
तो इसलिए एयर निकालने में बहुत दिक्कत होती है क्लच का, जब हम काम करते हैं क्लच सिलेंडर मास्टर सिलेंडर का। तो डायरेक्ट एयर निकाले, ये पाइप निकाल के सीधा इसके अंदर कुछ लगा के ऑयल निकाले यहाँ से एयर कड़ी। यहाँ पे एक लोग निकाल के फ्रेंड्स पीछे लेना है और यहाँ से एयर निकलेगा, आपको दिखाई देता हूँ शायद। तो ये बबल्स आ रहे हैं और यहाँ से एयर ब्रीडिंग मास्टर सिलेंडर से सीधा निकालना है, जो डिब्बी में पाइप जाता है फ्रेंड्स वो निकाल देना है यहाँ से हमें, और इसके अंदर सीधा हमने इंजेक्शन लगा दिया है और यहीं से ऑयल टॉप अप करना है हमें, जब तक एयर ब्रीडिंग कर रहे तब तक। जब क्लच का पेडल सही से आ जाए तो फिर उसको वापस यहाँ लगा देना है। तो अभी यहाँ से एयर ब्रीडिंग हो रहा है, आप देख सकते हो। एक लॉक पीछे रखना है यहाँ पे लगा हुआ और ये निकाल देना है, इसको पीछे खींचना है और बाद में इसको प्रेस करके इसको दबा देना है। तो यहाँ पे ऑयल हल्का सा जा रहा है नीचे, टॉप अप करते हैं।